हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 2.3 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.3 के हमें तीन के अंदर हमें शेषफल प्रमेय काम में लेनी है। तो उसके लिए पहले शेषफल प्रमेय क्या होती है कि जैसे कि कोई बहुपद है पी एक्स और इस बहुपद को हमें भाग लगाना है किसी अन्य बहुपद x माइनस ए से भाग लगाना है। बहुपद पी एक्स को हमें भाग लगाना है x माइनस ए से। तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या होगा? पी एक्स और इसे डिवाइड करना है हमें x माइनस ए से। यहाँ माइनस ए है और यहाँ सिर्फ ए x है, तो यहाँ पर हमको a को जोड़ना व घटाना पड़ेगा, जोड़ने व घटाने पर। तो पी एक्स तो था पहले से प्लस ए और माइनस ए, माइनस और प्लस दोनों करना है ताकि वापस कट के एक्स अकेला बच जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और अपॉन में क्या है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा? सिर्फ पी ए। तो यहाँ पर हमने इस बहुपद में क्या किया है? एक्स माइनस ए को माइनस ए और प्लस ए किया, जिससे हमको शेषफल क्या मिला? पी ए। मतलब कि किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देने पर आपको यहाँ पर माइनस ए था, तो हमको यहाँ पर साइन चेंज होने पर क्या मिला? प्लस ए। तो यहाँ पर भी हमको सबको एक्स एक बार एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है, एक बार एक्स माइनस वन अपॉन टू से डिवाइड करना है, एक बार एक्स से अलग अलग बहुपद से हमको इस दिए गए बहुपद को डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 2.3 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.3 के हमें तीन के अंदर हमें शेषफल प्रमेय काम में लेनी है। तो उसके लिए पहले शेषफल प्रमेय क्या होती है कि जैसे कि कोई बहुपद है पी एक्स और इस बहुपद को हमें भाग लगाना है किसी अन्य बहुपद x माइनस ए से भाग लगाना है। बहुपद पी एक्स को हमें भाग लगाना है x माइनस ए से। तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या होगा? पी एक्स और इसे डिवाइड करना है हमें x माइनस ए से। यहाँ माइनस ए है और यहाँ सिर्फ ए x है, तो यहाँ पर हमको a को जोड़ना व घटाना पड़ेगा, जोड़ने व घटाने पर। तो पी एक्स तो था पहले से प्लस ए, माइनस और प्लस दोनों करना है ताकि वापस कट के एक्स अकेला बच जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और अपॉन में क्या है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा? सिर्फ पी ए। तो यहाँ पर हमने इस बहुपद में क्या किया है? एक्स माइनस ए को माइनस ए और प्लस ए किया, जिससे हमको शेषफल क्या मिला? पी ए। मतलब कि किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देने पर आपको यहाँ पर माइनस ए था, तो हमको यहाँ पर साइन चेंज होने पर क्या मिला? प्लस ए। तो यहाँ पर भी हमको सबको एक्स एक बार एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है, एक बार एक्स माइनस वन अपॉन टू से डिवाइड करना है, एक बार एक्स से अलग अलग बहुपद से हमको इस दिए गए बहुपद को डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है, बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है। मतलब कि एक बार x प्लस वन से, फिर x माइनस वन अपॉन टू से, फिर x से ऐसे आगे और है, इन सब से भाग लगाना है और हर स्थिति में अलग अलग शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है x प्लस वन, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है? x प्लस वन जो दिया हुआ है उसको बराबर लिखेंगे हम जीरो। हमको यहाँ पे इसका शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ गया? माइनस एक। यहाँ पर ये जो x का मान आएगा उस मान को हमको कहाँ रखना है? इस बहुपद के अंदर। तो आप लिखोगे x बराबर माइनस एक बहुपद में रखने पर। एक्स क्यूब, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस वन के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स, एक्स की जगह पर लिखेंगे माइनस वन और प्लस वन। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया? माइनस एक लिख दिया। अब हमें इसका क्यूब स्क्वायर जो भी वो खोलना है। जब भी कोई माइनस की संख्या होती है और माइनस की संख्या के ऊपर जो घात यदि विषम संख्या हो, तीन हो, पाँच हो, सात हो, तो जब भी घात विषम संख्या होती है तो वहाँ पर माइनस का साइन आएगा और जब घात सम संख्या होती है तो माइनस का साइन नहीं आता है। तो यहाँ पर घात तीन है इसलिए माइनस का एक आएगा। ठीक है, फिर माइनस एक के ऊपर स्क्वायर है, सम संख्या, इसलिए माइनस नहीं आएगा। तो तीन एकम तीन,
प्लस माइनस, माइनस तीन एकम तीन और प्लस वन, ठीक है। अब माइनस एक और प्लस एक कट गया, तीन माइनस तीन ये भी कट गया, तो हमारा शेष फल कितना आ गया, जीरो। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे, अतः शेष फल बराबर जीरो, ये अपना आंसर। इसी तरह से अब दूसरा सवाल है, अब आपको भाग लगाना है किससे, x माइनस एक बटा हुआ दो से। जैसे हमने वो सवाल किया है वैसे यहाँ पर भी x माइनस एक बटा हुआ दो बराबर लिखेंगे हम जीरो। तो यहाँ से x बराबर एक बटा हुआ दो, x बराबर एक बटा हुआ दो बहुपद में रखने पर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, एक बटा हुआ दो, एक बटा हुआ दो के ऊपर घात तीन प्लस तीन इंटू एक बटा हुआ दो स्क्वायर प्लस तीन इंटू एक बटा हुआ दो प्लस एक। एक बटा हुआ दो का जब क्यूब करेंगे तो एक बटा हुआ आठ, तीन इंटू एक बटा हुआ चार, तीन इंटू एक बटा हुआ दो और प्लस एक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक बटा हुआ आठ प्लस तीन एकम तीन बटा हुआ चार प्लस तीन बटा हुआ दो प्लस एक, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आठ को हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बचा, एक, चार दुनी आठ और दो तिया छः, फिर दो चौक आठ, चार तिया बारह प्लस आठ एकम आठ, तो बारह और आठ बीस और छः छब्बीस और एक सत्ताईस। तो हमारे पास में शेषफल आ गया सत्ताईस बटा हुआ आठ, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरे सवाल में, यहाँ पर x का भी कोई प्लस माइनस है ही नहीं तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर जीरो हमको उस बहुपद में रखना है, x बराबर जीरो बहुपद में रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिख रहे हैं जीरो, तो जीरो का करेंगे क्यूब प्लस तीन इंटू जीरो स्क्वायर प्लस तीन इंटू जीरो प्लस एक। तो जीरो का क्यूब जीरो, तीन इंटू जीरो ये भी जीरो, ये तीन इंटू जीरो ये भी जीरो, और यहाँ पर क्या आया, प्लस वन। अतः शेषफल बराबर एक, हमारा आंसर। चौथा सवाल है, पहले का ही चौथा सवाल, आपको अब भाग लगाना है किससे, x प्लस पाई से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस पाई बराबर लिखेंगे जीरो, और यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर प्लस पाई, इधर जाएगा तो माइनस पाई, ठीक है। अब आप लिखेंगे x बराबर माइनस पाई बहुपद में रखने पर, x की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस पाई। तो यहाँ माइनस पाई और क्यूब, थ्री इंटू माइनस पाई स्क्वायर, थ्री इंटू माइनस पाई और प्लस वन। माइनस पाई का जब क्यूब करेंगे, यहाँ पर देखो घात तीन है इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो माइनस पाई क्यूब, माइनस के ऊपर स्क्वायर है इसलिए माइनस नहीं आएगा, तो प्लस तीन पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तीन पाई और प्लस एक, क्योंकि यहाँ पे पाई है इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारा यही आंसर होगा शेषफल बराबर, ठीक है, यही होगा अपना आंसर। पांचवा सवाल है, पाँच प्लस दो एक्स बराबर लिखना है जीरो, प्लस पाँच इधर जाएगा तो दो एक्स बराबर माइनस पाँच, एक्स का मान माइनस पाँच बटा हुआ दो, एक्स बराबर माइनस पाँच बटा हुआ दो बहुपद में रखने पर, x का मान हम माइनस पाँच बटा हुआ दो रख रहे हैं, माइनस पाँच बटा हुआ दो का करना पड़ेगा क्यूब प्लस तीन इंटू माइनस पाँच बटा हुआ दो का स्क्वायर प्लस तीन इंटू माइनस पाँच बटा हुआ दो और प्लस एक। मान रख लिए हमने, अब इसको खोलेंगे, माइनस के ऊपर क्यूब है, माइनस तो आना ही आना है, पाँच का क्यूब करेंगे तो 125 और बटावा दो का क्यूब 8 प्लस तीन इंटू पाँच का स्क्वायर 25 और दो का स्क्वायर 4, माइनस नहीं आएगा क्योंकि घात दो है,
प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 बटा हुआ 2 और प्लस 1। अब ये गुणे जो हो रहे हैं उनको करेंगे, माइनस 125 बटा हुआ 8 प्लस 25 दिया 75 बटा हुआ 4 माइनस 3 × 5 = 15 बटा हुआ 2 और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में कितना है 8, तो 8 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से मिला हमको माइनस का 125, फिर प्लस 4 × 8 2 × 75 150, फिर माइनस 2 × 8 और 4 × 15 करेंगे तो 60, फिर 1 का गुणा 8 से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमें माइनस माइनस जुड़ता है तो इन दोनों को जोड़ देना है, और प्लस प्लस जुड़ेंगे तो इन प्लस प्लस वालों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 12 और 6 18, और साइन किसका आएगा, माइनस का। 150 और 8 को जोड़ेंगे तो 158 और बटावा में 8। ठीक है, अब प्लस माइनस करना है, माइनस 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर 17 माइनस 15 करेंगे तो 2, और यहाँ माइनस बड़ा है इसलिए माइनस 27 बटावा 8, तो शेषफल बराबर माइनस 27 बटावा 8। इस तरह से आपको किसी भी बहुपद को अगर भाग देना है तो ये वाला तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल है प्रश्नावली 2.3 का, x³ - ax² + 6x - a को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर भी आपको x माइनस ए से क्या करना है, भाग देना है। मतलब कि पहले सवाल जैसा ये करने का तरीका वही रहेगा, जिस संख्या से भाग देना है उसका शून्यक निकालेंगे। x माइनस ए बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए, तो आप क्या लिखोगे, x बराबर ए बहुपद में रखने पर, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो यहाँ पर a³ - a² + 6 a और माइनस a। ठीक है, जहाँ x था वहाँ हमने a लिख दिया, तो ये a³ - a² का a से गुणा करेंगे तो a³ + 6a और माइनस a। ये प्लस का a³ और -a³ कट गया, 6 माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा 5a, तो शेषफल बराबर 5a, ये हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको चेक करना है कि ये 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो किसी भी बहुपद का कोई अगर गुणनखंड है तो वहाँ से उसके शून्यक का मान इस बहुपद में रखने पर इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इस गुणनखंड का शून्यक निकालेंगे और इस शून्यक को हम इस बहुपद में रखेंगे, और बहुपद में रखने के बाद सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में शेषफल जैसे हमने वहाँ निकाला है वैसे इसका शेषफल निकालने पर 0 अगर आ जाए तो आप कहोगे कि हाँ 7 + 3x इसका गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आएगा तो आप कहोगे कि नहीं, ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले हम 7 + 3x का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड का शून्यक निकालेंगे। 7 + 3x = 0, शून्यक निकाल रहे इसलिए बराबर में 0। 3x = -7, x = -7 बटावा 3 बहुपद में रखने पर, x का मान रख रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस बहुपद में 3 × -7 / 3³ + 7 × -7/3 क्यूब करना है, तो 3 × - तो रहेगा क्योंकि घात 3 है, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, प्लस माइनस माइनस 77 49 और बटावा 3, 3 से कट रहा है, 3 × 3 = 27, तो हमारे पास बचा माइनस का 343 बटावा 9 और माइनस का 49 / 3। अब एलसीएम लेना है हमें, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम, तो यहाँ ऊपर माइनस 343 माइनस 3 × 9 और 3 का गुणा 49 से करेंगे 3 × 27 3 × 12
13 और 14, ठीक है। 3×9=27, 3×4=12, 147 आए हमारे पास में। माइनस माइनस जुड़ता है तो 7 और 3 10, 4 और 4 8 और 1 9, और 3 और 1 4, माइनस का 490/9। हमको क्या चाहिए था? जीरो चाहिए था, यहाँ जीरो नहीं आया, तो आप लिखोगे क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए 7+3x बहुपद 3x³+7x का गुणनखंड नहीं है।